बेटा देखो क्वेश्चन नंबर ये 26, शो दैट सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ गिवन सरफेस एरिया, एस कर दे गिवन सरफेस एरिया कितना हो रहा है इसका, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, यहां पर एस कितना है कांस्टेंट है, क्यों कांस्टेंट, गिवन पॉइंट किसके साथ लगा हुआ है एस सरफेस एरिया के साथ, सो दैट सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ गिवन सरफेस एरिया एंड मैक्सिमम वॉल्यूम, वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज साइन इनवर्स 1/3, ये प्रूव करना है कि जो अल्फा की वैल्यू है वो साइन इनवर्स 1/3 होगी, उस समय ये वॉल्यूम मैक्सिमम प्रोवाइड करेगा। क्लियर स्टूडेंट्स, यहां पर थोड़ी सी समस्या क्रिएट हो रही है कि भी आर और एच दोनों क्या है वेरिएबल है, और सबसे बड़ी बात है एल भी वेरिएबल है, तीनों वेरिएबल है, और ऐसे कंडीशन में एक बार हमें ना स्क्वायरिंग कर लेते हैं ताकि वैल्यू आराम से रख पाएंगे, 1/3 का 9 हो जाएगा, पाई स्क्वायर आर टू दी पावर 4 एच स्क्वायर, बेटा यहां पर रिलेशन आर और एल का है, एच को एलिमिनेट कर लेते हैं, एच कहां से एलिमिनेट होगा एल स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यहां से एच स्क्वायर की वैल्यू सेट कर दो और वी स्क्वायर को जेड लिख दो ऑन रिप्लेसिंग वी स्क्वायर बाय जेड, तो स्क्वायर रूट में काम करना पड़ जाएगा, टफ टफ रहेगा आपके लिए, 1/9 पाई स्क्वायर आर टू दी पावर 4 एच स्क्वायर, एच स्क्वायर वैल्यू कितनी है एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब बेटा थोड़ा सा देखो ध्यान से, पाई अपॉन 9 पाई स्क्वायर आर टू दी पावर 4, यहां से किसको एलिमिनेट करोगे आर को या एल को, किसकी वैल्यू निकालू मैं, अगर मैं आर की वैल्यू निकालू पहली बार तो निकाल नहीं करते, फिर मैं रखूंगा दो जगह रखनी पड़ेगी, तो बेटर ये रहेगा एल की वैल्यू निकालो, तो एल इक्वल्स टू एस माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर, बस एल कहां से आएगा, देन यहां पर क्या रहेगा एल स्क्वायर, तो एल स्क्वायर वैल्यू सेट करो जल्दी करो तुम कर देंगे, हाँ स्टूडेंट्स रखिए एल की वैल्यू क्या आया मेरे पास, एस माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर इसका होल स्क्वायर माइनस आर पाई स्क्वायर अपॉन 9 आर टू दी पावर 4 एल से ले लेते हैं पाई स्क्वायर आर स्क्वायर और ये माइनस बी का होल स्क्वायर एस स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर आर 4 ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 2s पाई आर स्क्वायर, ये एलसी बने ना इससे मल्टीप्लाई कर लो पाई स्क्वायर आर टू दी पावर 4 ये दोनों कैंसिल आउट, यहां से देखो पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर ये आर स्क्वायर से ये आर स्क्वायर, इसका अंदर मल्टीप्लाई करें तो एस स्क्वायर अपॉन 9 आर स्क्वायर माइनस बेटा आर स्क्वायर अपॉन 9 इससे भी मल्टीप्लाई करेगा 2s पाई तो क्या है कांस्टेंट अपॉन 9 भी क्या है ये कांस्टेंट पूरी वैल्यू कांस्टेंट चलेगी आर स्क्वायर एंड आर स्क्वायर आर टू दी पावर 4 हो जाएगा, ये मेरे पास क्या चला z। अब फर्स्ट इक्वेशन मुझे बताओ, देखो ये वैल्यू कांस्टेंट ये वैल्यू कांस्टेंट क्योंकि एस कांस्टेंट ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, बेटा ये आर में और ये भी आर में, ये टर्म किसमें आर में ये टर्म किसमें आर में, मींस ये वन वेरिएबल में आप कन्वर्ट किसमें कन्वर्ट हो गया ये वन वेरिएबल में, अब ये क्या हो चुका है कन्वर्ट हो चुका है, जब ये वन वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया अब हम इसको क्या करेंगे
डिफरेंशियल कर सकते हैं, ये कहां पर मैक्सिमम है पता लगा सकते हैं। तो हमारे पास z डैश s स्क्वायर अपॉन 9 इसका लिखा हो जाएगा 2r माइनस 2s पाई अपॉन 9 इसका लिखा हो जाएगा 4r क्यूब। नंबर टू, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा पुट z डैश इक्वल्स टू 0, निकालो क्रिटिकल पॉइंट इसका, माइनस है ना शिफ्टिंग डायरेक्टली कर दो आप, ये 2r इज इक्वल टू 2s पाई अपॉन 9 इंटू 4 और r टू द पावर 3। एक आप तो वैसे भी आप 0 हो ही नहीं सकता, तो कट सीधे कर सकते हो आप, एक रूट वैसे फिनिश होता है ऐसे कट करने से। 9 से 9 गया, 1s से 1s गया, 2 से 2 गया, बताओ क्या बचेगा, यहां तो क्या बच गया 1s बच गया, और यहां पर क्या बचा बेटा पाई 4 और ये r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर करेक्ट। तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी s अपॉन 4 पाई s अपॉन 4 पाई का स्क्वायर रूट, ये r की वैल्यू आ गई। ये रिलेशन किसमें है r एंड s में, तो संभालो इस केस में अल्फा कितना है, क्योंकि रिलेशन किसका प्रूव करना है अल्फा का। वापस सुनो, ये रिलेशन किसका है, अगर मेरे को आर और एस का रिलेशन चाहिए था तो ऑलरेडी परफेक्ट है, बट हमें इस क्वेश्चन में ये बोला है वॉल्यूम मैक्सिमम होगा तो अल्फा कितना होगा, हमें प्रूव करना है कि अल्फा की वैल्यू ये है, तो इसी केस के अंदर अल्फा यहां पर किस सिचुएशन में अल्फा कितना है देखते हैं, चेक करके भाई अल्फा कितना है, कैसे चेक करेंगे बेटा, वापस उसी को पकड़ो आप, एस इज इक्वल टू कितना था 4 पाई आर स्क्वायर, एस की वैल्यू कितनी है सरफेस एरिया की पाई आर एन प्लस पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको उधर सेट करो कितना आ गया 3 पाई आर स्क्वायर और ये पाई आर एल, पाई से पाई घटा भाई, एक आर और एक आर ठीक है ना, तो फाइनली कितना आ गया 1 बाई 3 आर अपॉन एल। ये कौन है आर, कौन है यहां पर आर है इसके अल्फा के लिए परपेंडिकुलर, और एल कौन है इसके अंदर, एल किसका काम कर रहा है हाइपोटेन्यूस का, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस कौन होता है साइन, एंगल कितना है अल्फा, तो साइन अल्फा इक्वल टू कितना आ गया 1 बाई 3 मीन्स अल्फा इक्वल टू कितना आ गया बेटा, बट अभी ये डिसाइड नहीं हुआ कि वॉल्यूम मैक्सिमम है, सिर्फ पॉइंट आया है, तो इस क्रिटिकल पॉइंट को आर और एस की फॉर्म में ये लिख सकता हूं और अल्फा की फॉर्म में मैं ये लिख सकता हूं, दोनों सेम क्रिटिकल पॉइंट ही है, दोनों सेम क्रिटिकल पॉइंट ही है, अल्फा की फॉर्म में लिखूं तो ये बनेगा और आर और एस की फॉर्म में ये बनेगा। अब आई हैव टू डिसाइड दैट इन दिस सिचुएशन इन एट दिस पॉइंट वी हैज मैक्सिमम, उसके लिए क्या करना पड़ेगा बेटा डबल डेरिवेटिव है ना, निकालो देखें जेड है मेरे पास वी है जेड है रिप्लेस किया ना, करो देखें इसके अंदर क्या बनेगा, ये देखो सिर्फ आर वेरिएबल है बाकी सारा क्या है कॉन्स्टेंट है, तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर का डिफरेंशियल कितना हो जाएगा 1, ये बाकी सारा क्या है कॉन्स्टेंट है, साइड में पड़ा रहेगा 2 आर के रेस्पेक्ट में करेंगे अपॉन 9 और आर का हो गया 1 माइनस यहां पर बड़ा 2s पाई अपॉन 9 कंप्लीट कॉन्स्टेंट और 4 पड़ा है तो 4 टू जाके कितना हो जाएगा 8s पाई अपॉन 9, ये क्या है बेटा इसका डिफरेंशियल 3r स्क्वायर, इसको कट करने की जल्दबाजी मत करना अभी, अब मुझे चेक करना है कि एट अल्फा इक्वल टू साइन इनवर्स 1 बाई 3 ये लिखूं भले r इज इक्वल टू s अपॉन 4 पाई रूट के अंदर ये लिखूं एक ही बात है, तो जब अल्फा होगा साइन इनवर्स 1 बाई 3 उस केस में r का रिलेशन s के साथ ये रहेगा, पुट कर दो कितना बनेगा z डबल डैश 2s स्क्वायर अपॉन 9 ऑलरेडी है माइनस 8s पाई अपॉन 9 इंटू 3 इंटू आर स्क्वायर, आर की वैल्यू बेटा आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है एस अपॉन
4 पाई s अपॉन ये 4 पाई 4 टू द 4 और 4 टू द ये पाई से ये पाई फाइनली कितना आ गया 2s स्क्वायर अपॉन 9 माइनस 2 3 जा 6 s into s s स्क्वायर अपॉन 9 ले लो एलसीएम कितना आएगा माइनस 4 s स्क्वायर अपॉन 9 देखो बेटा s क्या रहेगा ऑलवेज पॉजिटिव वैसे भी स्क्वायर क्वांटिटी ऑफ सरफेस इज ऑलवेज पॉजिटिव होता है कोई इशू नहीं तो हमारे पास क्या रहेगा ये पॉजिटिव बट इस माइनस की वजह से ऑलवेज इस किसकी वैल्यू z डबल डैश की वैल्यू ऑलवेज नेगेटिव रहेगी मींस इट इज ऑलवेज लेस देन 0 एट दिस पॉइंट सो z हैज मैक्सिमम एट कितना बेटा अल्फा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/3 मैंने इस पॉइंट को क्यों नहीं लिया ये क्यों लिया क्योंकि मुझे प्रूव करना है अगर रिलेशन को r और h का करना होता तो उसको डेवलप करता मैं बट रिलेशन कौन सा प्रूव करना है अल्फा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/3 मैंने अल्फा के फॉर्म में लिया ये अब देखो बेटा z किसी जगह का भाई v वाला है देयरफॉर v हैज मैक्सिमा एट अल्फा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/3 ये बड़ा मेजर क्वेश्चन है बहुत अच्छे ढंग से करेंगे टू गेट गुड मार्क्स ठीक है ना आपको इसकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी है और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना है ओके okay?